नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मूर। बिग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, परमिंदर सिंह ढींडसा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। अकाली दल विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दिया है परमिंदर सिंह ढींडसा ने, और आज इस्तीफा दिया था, मंजूर कर लिया है। शरजीत सिंह ढिल्लों अब विधायक दल के नए नेता बना दिए हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने ऐलान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि परमिंदर ढींडसा, जिनकी नाराजगी की खबरें काफी दिनों से ही आ रही थी, उन्होंने विधायक दल के नेता से इस्तीफा दे दिया, जिसे मंजूर कर लिया है, और शरजीत सिंह ढिल्लों अब विधायक दल के नेता बना दिए हैं। इस वक्त और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़ गए हैं। नपिंदर, एक बड़ा घटनाक्रम अकाली दल के लिहाज से। हालांकि परमिंदर सिंह ढींडसा की नाराजगी खबरें तो पहले से आ रही थी, लेकिन इतना बड़ा कदम होगा और अकाली दल की तरफ से भी तुरंत इस पर जवाब दिया गया, यानी इस्तीफा आया और मंजूर कर लिया। क्या चल रहा है अकाली दल के अंदर? सुनिए, देखो, बिल्कुल, सब तो पहला तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इतनी फास्ट जो एक्शन होया, अज जिवें ही परमिंदर ढींडसा ने अपना अस्तीफा दिता तो क्विक उससे रिस्पोंड किया अकाली दल ने। जिदा ही उन्होंने अस्तीफा दसते हैं कि पहुंचा अकाली दल के कोल प्रधान सुखबीर सिंह बादल के कोल, तुरंत उन्होंने एक मिनट की भी देरी नहीं लाई और अस्तीफा मंजूर कर लिया। और उस तो भी वड्डी जिहड़ी कार्रवाई ये हुई कि तुरंत अस्तीफा मंजूर होंदे नाल दी नाल नेता जिहड़ा अकाली दल का विधायक दल का नेता वह भी तुरंत चुन लिया गया, शरजीत सिंह ढिल्लों बना दिता गया। इनी फास्ट कार्रवाई, यानी कि अकाली दल परमिंदर ढींडसा के अस्तीफे की वेट कर रहा है और ऐसा ही होया। दरअसल पिछले दिनों के जो घटनाक्रम होया, सुखदेव सिंह ढींडसा लगातार अकाली दल अकाली दल तो बाकी हो चुके थे और उन्होंने सीधा सुखबीर सिंह बादल से निशाने लगा रहे थे, पर उन्होंने जो समागम चल रहे थे दावा वो करते थे कि परमिंदर ढींडसा मेरे नाल ने, मेरा पुत्र तो मेरे नाल, मेरे नाल खड़ना चाहिए। पर परमिंदर ढींडसा किसी भी समागम के किसी भी मीटिंग नजर नहीं आते, लेकिन वो अकाली दल के समागम में भी नहीं पहुंचे। ये भी काफी दिलचस्प था नपिंदर, अगर पिता के साथ नजर नहीं आए तो सुखबीर बादल के साथ भी खड़े नजर नहीं आए थे। सुनिए, देखो, परमिंदर ढींडसा बड़े धर्म संकट में फंसे हुए थे, एक पासे पिता से दूसरे पासे मां पार्टी थी अकाली दल, बिल्कुल, और दोनों के बीच इस तरह धर्म संकट में फंसे हुए हुण तक। हालांकि हले भी परमिंदर ढींडसा इसे अगे की रिएक्ट कर रहे, किस तरह का उन्होंने बयान आएगा वो अभी देखने वाला होगा, पर परमिंदर ढींडसा लगातार उदों तो लैके हुण तक उन्होंने फोन लगातार बंद आ रहे, किसी नाल गल नहीं कर रहे, बड़े शांत ने, चुप ने, कोई कहता कि बाहर ने, कोई कहता कि इसके जरा अगर अभी कही खुल के जा बागी हो गए हैं या फिर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ऐसा हाले नहीं है। परमिंदर ढींडसा की हालांकि विचों एक बार सफाई भी आई थी, फेसबुक से उन्होंने एक वीडियो जारी किया, हो सकता पार्टी के दबाव या पार्टी हालात ऐसे बने हो जारी करना पाया, उन्होंने सफाई दी थी कि मैं पार्टी के नाल मैं कितने नहीं जा रहा। पर उस तो बाद बावजूद इसके सुखदेव सिंह ढींडसा साफ कह रहे थे कि परमिंदर मेरे नाल है, और अकाली दल के अंदर भी जी हलचल चल रही थी। सुदेश असी लगातार कोशिशा कर रहे थे अकाली दल के लीडर के नाल, सीनियर लीडर के नाल गलबात करके सच्चाई जानने की, तो उन्होंने जेड़े हुण तक के हाव भाव से रिएक्शन से वो यही होंगे कि परमिंदर नहीं रहे रहेंगे हुण पार्टी के नाल और परमिंदर अपने पिता वाल ही जाएंगे, जिस तरह हालात बने हुए हैं। लेकिन जो ये नपिंदर जो ये इस्तीफा दिया है, क्या ये उसी दल के नेता से इस्तीफा दिया है? सुधीर, बिल्कुल, देखो, जिस तरह आप पहला जिक्र कर रहे हैं लगातार कि सस्पेंस बनया हुआ लगातार, तो वह सस्पेंस कितने कितने हले भी थोड़ा बहुत वो चीजा बनिया हुई ने, क्योंकि परमिंदर ढींडसा शांत ने हले, पर जी ये कार्रवाई हुई है, अगर विधायक दल के अहदे तो अस्तीफा दे देंगे ने, तो अजिहे संकेत जोड़े वो आते हैं कि आने वाले दिनों के परमिंदर ढींडसा अगर ये स्टेप चक सकते हैं, तो जिस तरह पार्टी तो पहले ही तैयार बैठी थी, हाँ या हों की गलबात की जाती, परमिंदर मनाया जाता, उन्होंने बैठ के गलबात होंगी, नहीं, पार्टी तो इंतजार कर रही थी कि कदों परमिंदर ढींडसा अस्तीफा देन, कदों एक्सेप्ट किया जाए, तो कदों नवा विधायक दल का नेता बनाइए। तो अजिहे हालात के आने वाले जो संकेत ने यही नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों ये नपिंदर आपसे समझते हो कि आप बारीकी से पंजाब की सियासत को देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं कि क्या ढींडसा परिवार की तरफ से ऐसे हालात बनाए गए कि वो आज यहां पर इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा मंजूर हो जाता है, या फिर सुखबीर बादल पार्टी की तरफ से ऐसे हालात बनाए गए कि परमिंदर ढींडसा इस्तीफा दें और वो तैयार बैठे थे, इस्तीफा ले लिया? सुधे, देखो, दोनों तरह दी चीजें चल रही थी, एक पासे परिवार का दबाव, सुखदेव सिंह ढींडसा परमिंदर ढींडसा के पिता सियासी गुरु जिन्हां दे नाल उन्होंने सब कुछ सीखा, विधायक बने, मंत्री बने, राजनीति दे विच एक वड्डा नाम बनाया, एक अच्छी छवि बनाई,
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਲੀਏ। ਤੋ ਬੜੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਔਰ ਬਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੋ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੇ ਇਸਤੀਫੇ ਕਾ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ बात की और कहा कि परमिंदर ढींडसा के इस्तीफे का स्वागत करता हूं। परमिंदर ने इस्तीफा देकर बिल्कुल ठीक किया, बिना विधायक दल की बैठक के अगला नेता चुनना गलत है, ये तानाशाही है जिसके विरोध में हम खड़े हैं। ढींडसा ने यह भी कहा कि इस्तीफा दे दिया, स्वागत करता हूं, और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि बिना विधायक दल की बैठक के अगला नेता चुनना गलत है, ये तानाशाही है जिसके विरोध में हम खड़े हैं। सुखदेव ढींडसा परमिंदर ढींडसा के पिता हैं, नाराजगी उनकी तो जग जाहिर हो चुकी थी। अलग अलग समागम करके वो सुखबीर बादल परिवार को निशाने पर ले रहे थे, उनके अध्यक्ष बनाए जाने का भी विरोध किया था उन्होंने पुरजोर तरीके से। लेकिन अब जब उनके बेटे पूर्व पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर ढींडसा ने इस्तीफा दिया विधायक दल के नेता से, तो कहा कि ये बिल्कुल ठीक किया, ये स्वागत करते हैं, लेकिन बिना विधायक दल की बैठक के अगला नेता चुनना गलत है, ये तानाशाही है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਬਿਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਪਰੋਚ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो इस्तीफा दिया है तो अब बयानबाजी भी होगी। एक और बड़ी खबर आपको इसी मामले से जुड़ी बता दें, परमिंदर ढींडसा के इस्तीफे पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। परमिंदर तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, ये धर्मसोत की तरफ से कहा गया, उनको धक्के से चुनाव लड़वाया गया। ढींडसा को पता था लोग स्वीकार नहीं करेंगे। राजकुमार वेरका ने भी अकाली दल पर निशाना साधा, अकाली नेता ही सुखबीर से किनारा कर रहे हैं। वेरका ने कटाक्ष किया है कि अकाली नेता ही सुखबीर से अब किनारा कर रहे हैं। वहीं धर्मसोत ने भी कहा कि ढींडसा तो चुनाव लड़ना तक नहीं चाहते थे, बल्कि उनको धक्के से चुनाव लड़वाया गया। ढींडसा ये जानते थे कि लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये ता जदों बाहर गए सीगे, जदों दे बड़े वडेरे साथ सुखदेव सिंह ढींडसा उन्होंने फादर ने जदों उन्होंने साथ छड़ दिता, तो सुभाव की सी वो तो अपने पिता नाल रहेगा, पता ही सी। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਫੁੱਟ ਆ ਵੱਡੀ? ਇਹ ਫੁੱਟ ਕੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੰਥ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਯਾਰੀ, ਵਿਛੜੇ ਸਭੀ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अब बड़ी खबर पाकिस्तान से, गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के बाहर बवाल हुआ है। पाक सिख लड़की जगजीत कौर के मामले में यह हंगामा हुआ है। गुरुद्वारे के बाहर जगजीत से निकाह करने वाले लड़के के परिवार का हंगामा, मोहम्मद हसन का परिवार भीड़ का नेतृत्व कर रहा है। गुरुद्वारे के बाहर ये जमकर हंगामा हुआ। मोहम्मद हसन ने जबरन धर्म परिवर्तन करवा कर निकाह किया था। फिलहाल
जगजीत कौर शेल्टर होम में है, लेकिन जिस लड़के ने जबरन जगजीत कौर के साथ विवाह किया था उसका परिवार गुरुद्वारे के बाहर हंगामा कर रहा है। बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां गुरुद्वारा श्री ननकाना साहब के बाहर बवाल हुआ। पाक सिख लड़की जगजीत कौर के मामले में यह हंगामा। जगजीत कौर से निकाह करने वाले लड़के का परिवार हंगामा कर रहा है। मोहम्मद हसन का परिवार भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, गुरुद्वारे के बाहर जमकर हंगामा हुआ। मोहम्मद हसन ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर जगजीत कौर से निकाह किया था, लेकिन मामला जब उठा और इस पर सवाल खड़े हुए, खासकर भारत के दबाव के बाद जगजीत कौर को शेल्टर होम में रखा जा रहा है। लेकिन जिस लड़के ने, मोहम्मद हसन नाम के जिस लड़के ने जगजीत कौर के साथ जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह किया था, उसके परिवार ने गुरुद्वारे के बाहर हंगामा किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गुरुद्वारे के बाहर, कैसे ये भीड़ इकट्ठा हुई थी और इस भीड़ ने गुरुद्वारे के बाहर हंगामा किया, खूब बवाल हुआ। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान, जहां से बड़ी खबर ये है कि यहां पर खूब हंगामा हुआ है। पाक सिख लड़की जगजीत कौर, काफी दिनों तक ये मामला गरमाया रहा था पाकिस्तान, भारत और दुनिया में भी भारत ने ये मुद्दा उठाया था। जगजीत कौर के मामले में ही आज यहां गुरुद्वारे के बाहर हंगामा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन से तस्वीरें हैं, भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई और भीड़ की अगुवाई वो परिवार कर रहा था, जिस पर आरोप था कि जगजीत कौर को जबरन उठाया गया, फिर जबरन धर्म परिवर्तन और उसका विवाह किया गया। उस परिवार ने ही ये हंगामा यहां पर किया। जगजीत से निकाह करने वाला लड़का मोहम्मद हसन, उसका परिवार ये हंगामा गुरुद्वारे के बाहर कर रहे थे, भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। गुरुद्वारे के बाहर काफी देर तक हंगामा हुआ। मोहम्मद हसन ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर जगजीत कौर से निकाह किया था। जानकारी आपको दे दें कि जगजीत कौर फिलहाल शेल्टर होम में रह रही है। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह रॉबिन फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह रॉबिन, आपसे जानना चाहते हैं मामला ये पूरा क्या है, क्या जगजीत कौर के मामले को लेकर ही गुरुद्वारे के बाहर ये हंगामा हुआ? बिल्कुल सही आप कह रही हैं, ये जगजीत कौर जिसको जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, बाद में शादी करवा के उसे जो मोहम्मद हसन ले गए थे, उसको प्रोटेस्ट, उसके अंगेंस्ट जो मुस्लिम है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि 6 तारीख अदालत ने रखी है जगजीत कौर के पिताजी की जो पिटीशन थी उसको लेके, कि उसको उसके घर पर वापस भेजा जाए। उस पिटीशन की जो सुनवाई है 6 तारीख को होनी है, और वहां पे मोहम्मद हसन के जो भाई और परिवार वाले उस मॉब को लीड कर रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूं, वो हंगामा अभी भी चल रहा है और उन्होंने पथराव किया है गुरुद्वारे पर। अच्छा, तो ये हंगामा वहां पर चल रहा है, स्थिति वहां पर फिलहाल कैसी है? वहां पे बहुत टेंस है, लगभग 20-22 के करीब जो सिख वहां पे गुरुद्वारे के अंदर है, इस वक्त रहरास का पाठ वहाँ चल रहा था, चलने वाला था, उसको लेके गुरुद्वारे के अंदर सिख अंदर आए थे, उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए हैं। घर उनके जो सिख वहाँ पे ननकाने में भी रह रहे हैं और गुरुद्वारों में रह रहे हैं, वो अपने घरों के अंदर हैं इस वक्त, और गुरुद्वारे के अंदर भी कोई 20 के करीब सिख मौजूद है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई पुलिस की तैनाती वहाँ पर है या अभी भी जो सिख है भीड़ के आगे खौफ के साए में? अभी किसी तरह की सुरक्षा के वहां पे इंतजाम, पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। जो अभी मेरी वीडियो कॉल हुई, वीडियो कॉल से बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे दिखाया वहां पे जो सिख रह रहे हैं जी, जो ग्रंथी है, उन्होंने मुझे गेट पे दिखाया कि सिर्फ 2 पुलिसकर्मी अंदर गुरुद्वारे के अंदर है, लेकिन उन लोगों को रोकने के लिए अभी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। आपसे जानकारी चाहते हैं कि गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के आसपास में कितनी तादाद है सिखों की, कितने सिख यहाँ पर रहते हैं और बाकी जो आबादी है वो कितनी है, किस तरह का इलाका है? क्योंकि आप बता रहे कि वहां पर अभी माहौल काफी तनावपूर्ण है और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 2 पुलिसकर्मी जो गुरुद्वारे के अंदर है। जी हाँ, वहाँ जो पाकिस्तान 1947 बनने के बाद, बंटवारे के बाद, वहां पे बहुत तादाद में सिख रहते थे, लेकिन अब गिनती 5,000 के करीब है पाकिस्तान के अंदर। ननकाने में ज्यादा सिख रहते हैं, लेकिन वो उनकी तादाद पूरे पाकिस्तान में मिला के कोई 1500-2000 के करीब बनती है। वहां पे कोई 8 से 10 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जो ननकाना साहिब गुरुद्वारे के आसपास हैं। वहां पे स्थिति तनावपूर्ण है, इस बात को लेके वहां पे अब सरकार, ये जो बताया जा रहा है, अभी मुझे एक और इंफॉर्मेशन आई है कि वहां पे पुलिस अब कुछ फोर्स भेज रही है, लेकिन अब तक जो लोग अंदर हैं वो डरे हुए हैं इस बात को लेके। तो पथराव हुआ है वहां पर, भीड़ की तरफ से पथराव किया गया है?
जी हाँ, ना सिर्फ पथराव किया गया है जबकि वहां पे ये इस्लाम के नाम पर बहुत भड़काऊ भाषण भी दिए गए हैं। हमारे पास फुटेज अभी आपके पास पहुंच चुकी है जिसमें मोहम्मद हुसैन के जो भाई हैं वो इस तरह की धमकी भी दे रहे हैं कि ननकाना साहब का नाम बदल देंगे, फिर किसी सिख को रहने नहीं देंगे। ये वीडियो आ गई, सुनाने की कोशिश भी हम करेंगे रविंदर सिंह रॉबिन, लेकिन आपसे साथ में जानकारी ये चाहते हैं कि जो जगजीत कौर का परिवार है वो उसके बारे में कोई जानकारी कि वो इस वक्त कहां पर है, क्योंकि उनकी सुरक्षा बहुत मायने रखती है इस वक्त में। बाकी सिखों की सुरक्षा का तो सवाल है ही, लेकिन उस परिवार की सुरक्षा का भी सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके भाई मनमोहन सिंह और अभी मेरी उनसे बात हुई थी, वो लोग गुरुद्वारे के पास एक और गुरुद्वारा है उस वहां पे अंदर रुके हुए हैं, और जो जगजीत कौर है वो दारुल अमान में है, लाहौर में जो एक शेल्टर होम बनाया गया है उसके अंदर है। परिवार वाले गुरुद्वारा ननकाना साहब गुरुद्वारे के साथ एक और गुरुद्वारा है वहां पे रुके हुए हैं। यानी जो पाकिस्तान हमारे सीए एक्ट को लेकर दुनिया भर में ढोल नगाड़ों के साथ बुराई कर रहा है वो दुनिया को दिखाने के लिए काफी है। जो वीडियो आपने हमें भेजा है ये वीडियो दिखाने के लिए काफी है दुनिया को कि दो दोहरा चरित्र है पाकिस्तान का, और ये आज की बात नहीं, सालों से पाकिस्तान यही कर रहा है कि वहां पर धर्म के नाम पर क्या अत्याचार कर रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, और वो राग अलापते हैं इंसानियत का, धर्म का, जब बात आती है भारत में किसी कानून की। रविंद्र, इसके साथ जो अभी करतारपुर साहिब पे जो कुरैशी, उनके कुरैशी साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना था कि उन्होंने गुगली खेली है करतारपुर साहिब के नाम पर, और वो उनका मंशा क्लियर होता है। और कल जो उनकी नए फॉरेन सेक्रेटरी आई हैं उनका भी ये कहना था कि ये उनकी एक स्पेशल एफर्ट्स थी करतारपुर साहिब को लेकर। ये एफर्ट्स किस लिए थी, क्या पाकिस्तान के दो चेहरे हैं वो अब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप हमें बता पाएंगे ये वीडियो जब तक हम चलाएं, या आप हमें बता पाएंगे कि ये जो शख्स तस्वीरों में है ये क्या कह रहा है, किस तरीके से उकसाया जा रहा है वहां पर बहुसंख्यक लोगों को? ये मोहम्मद हसन का भाई है। मोहम्मद हसन वो शख्स है जो जगजीत कौर को जबरन ले गए थे उसके घर से और उसके बाद कन्वर्ट किया गया, और ये उसके भाई और उसके परिवार वाले हैं। इनका कहना है कि जब एक तो ये चोरी और सीना जोरी वाली बात कर रहे हैं कि तब पुलिस उनको उठा के ले गई थी, उसका गुस्सा है इस बंदे को, और ये कह रहा है कि हम ननकाने में जितने भी सिख रह रहे हैं इनको यहाँ पे रहने नहीं देंगे और ननकाना साहब का नाम चेंज कर देंगे, जिसका वो नाम वो बता रहे हैं। और ये जितनी भी भीड़ है वहां पे इस्लाम के नाम को लेकर उन लोगों को भड़काया जा रहा है कि इस्लाम जो है वो उसके ऊपर अटैक है एक तरीके से। तो मुट्ठी भर जो सिख इतने सालों बाद वहां पर बचे हैं ये तस्वीर बता रही कि क्या होता है वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ, और क्या सदियों से दशकों से होता रहा है पाकिस्तान में। और यही वजह है कि रविंद्र की लाखों की तादाद थी हिंदुओं की, सिखों की, और अब वहां पर आप बता रहे कि सिर्फ 5,000 सिख बचे हैं, सिर्फ 5,000, और ननकाना साहिब में आप बता रहे कि 1,500 के आसपास सिख बचे हैं। और यही वजह है कि वहां जो जातियां हो रही हैं या तो सिख धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हैं या तो वहां से रुखसत होकर भारत आने को मजबूर हो गए हैं। तो ये जो सीए बना है वो इसीलिए तो बना है कि जो माइनॉरिटीज हमारे आसपास के जो कंट्रीज में, देशों में जिस तरीके तशद्दुद हो रहा है उन लोगों पर, उन माइनॉरिटीज को एक राहत देने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल बनाया गया, जो एक्ट बनाया गया, और उन लोगों को राहत देने के लिए बनाया गया, इसीलिए तो वो लोग यहाँ पे भारत में आके बसना चाहते हैं, उन्हें यहाँ सिक्योर नजर आता है। और बड़ी हैरानी की बात यह है और बड़ी विडंबना है इस बात को लेकर कि जब ऐसे मामले पाकिस्तान से सामने आते हैं तो कोई आवाज नहीं उठाता कि वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदू हो सिख हो, उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन भारत में अगर कोई कानून नागरिकता देने के लिए बनाया भी जाता है तो शहर के शहर जल जाते हैं। जी हाँ, अभी अभी मुझे एक और वीडियो वहां से आई है, मेरे दूसरे मोबाइल पे है, जो मैं फॉरवर्ड कर चुका हूँ ऑफिस में, जिसमें ये लोग वहां पे बैठे अभी भी गेट के बाहर बैठे हैं और नारे लगा रहे हैं। हम सोच सकते हैं, हम समझने की कोशिश कर सकते हैं सिर्फ कि कितने खौफ में वो सिख होंगे जो इस वक्त आप बता रहे कि 15 से 20 उनकी संख्या है गुरुद्वारे के अंदर छुपकर बैठे हैं, क्योंकि बाहर बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे हैं, गुस्से में हैं और उकसावे वाले भाषण दिए जा रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि नामो निशान उनका मिटा देंगे। जी हाँ।
शुक्रिया रविंदर सिंह रॉबिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने दी। तो गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के बाहर बवाल हुआ है पाक सिख लड़की जगजीत कौर के मामले में, ये हंगामा। जो लड़का जिस पर आरोप, उसके परिवार पर आरोप की लड़की को जबरन उठा, जबरन धर्म परिवर्तन करके विवाह किया, उनके परिवार की तरफ से ही यहां पर हंगामा किया जा रहा है। बिग बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।